हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले यासना उधर के हमने थोड़ी लूट की, और जैसे मैं लूट करने गया वैसे एक बंदा मेरे टेरिस पे आया, उसको मैंने नॉकआउट किया लूट से मिली हुई सामान से। लॉकआउट करने के बाद और मैंने ये वीडियो ना थोड़ा मतलब 34-35 मिनट्स का बन गया था, तो मैंने इसको शॉर्ट किया, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया, जिसको जिससे आप देख सके हर एक किल देख सके। और मेरे को चैलेंज मिला था 15 किल्स का, मेरे दोस्त ने दिया था, और 15 रुपये का, ज़्यादा नहीं 15 रुपये का बैट लगाया था कि अगर तूने 15 किल्स किया ये मैच में तो तेरे को 15 रुपीज़ मिलेंगे। तो कुछ दो तीन किल करने के बाद मैंने आगे बढ़ा, और यहाँ पे ड्रॉप लूट निकला था। ऑलरेडी यहाँ पे एक बंदा आ चुका था जिसको मैंने नॉकआउट किया। और एक्चुअली मैं भी ना सीख रहा हूँ, मतलब बहुत 5-6 साल पहले खेलता था, तो तभी मैं खेलता था, उसके बाद अभी थोड़ा सा सीख रहा, मतलब हाथ बैठा नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ भी रेंडमली खुल जा रहा है, मेरा डोंगल का खुल जाता है, ऊपर से स्लाइड जो होती है ना वो चीज़ें ओपन हो जाती हैं, बीच बीच में कुछ भी सेटिंग ओपन हो जाती है, तो मतलब परफेक्टली बैठा नहीं है। तभी यहाँ पे एक बंदे को यहाँ पे भी नॉकआउट किया और उसका किल मिला। और उसके फिर जैसे मैं जा रहा था वहाँ से फिर फोर व्हीलर गाड़ी भी आती है और मैं पाउंस हो जाता, और उसके बाद वो मेरे पीछे, उसने एक्चुअली मेरे को देख लिया था, मैंने सोचा मेरे को देखा नहीं, उसने देख लिया था, उसने क्लियर करने के लिए, और वहाँ से एक बंदा निकल के शूट करा था, लेकिन उसको मैंने नॉकआउट किया। फिर साइड से जाके मैंने फिर उसको घूम के थोड़ा सा, फिर मैं स्ट्रेट जाता तो मेरे को नॉकआउट कर ही देता, क्योंकि मेरा हेल्प भी नहीं था, तो इसलिए साइड से घूम किया। वो बंदा वहाँ पर उतरा, मैं जैसे उतरा वैसे ही मैंने फायरिंग कर दी उसके ऊपर। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप लोअर लेवल पे रहते हो ना तो बंदे भी वैसे ही मिलते हैं, तो फिर यहाँ से मतलब 9 किल तो हो चुके थे, और 9 किल और 14 लोग बचे भी थे। तो वहाँ पे एक बंदा कूद कर आता था, उसको मैंने शॉट मारा 4x के हेल्प से, और लगा लेकिन प्रॉपर पूरी तरह हुआ नहीं। देखिए यहाँ पर देखो, अभी वो उड़ गया, हवा में उड़ गया। तो उन्होंने बाद मैंने देखा उसको कहाँ तक जा रहा है, मैंने उसको जूम करके देखा, मेरे को दिखा वो, इस आपको इसमें नहीं दिखा लेकिन मेरे को दिखा वो कहाँ तक गया। देखो यहाँ पे अभी, यहाँ पे छोड़ गया इतनी जल्दी, तो मैं घूम के तो फिर भी वो बचे जा रहा था बार बार। तो मैं एकदम घूम के जाता हूँ, और ये बंदा एक्चुअल में बहुत अच्छा था, इसके साथ एक बंदा और था, मुझे पता नहीं था वहाँ पे दो बंदे, मैं एक बंदा समझ के गया था, और ये सच में बहुत अच्छा बंदा था। तो लेकिन लक मेरा अच्छा था कि इसको नॉकआउट किया और किल लिया। देखो ये बंदा है यहाँ पे, मैंने इसको नॉकआउट किया। मेरी गलती क्या होती है ना कि मेरे को मालूम है दो बंदा है, लेकिन सबसे पहले उसको किल लेने के चक्कर में पड़ा था, इसके बीच इसलिए मैं मर जाता हूँ। यहाँ पे देखो एक बंदा, ये देखो वो भाई, ये बंदा सही था, लेकिन जो गन भी थी इसके पास बहुत डैमेज देती, लेकिन बच गया फिर भी 11 किलो भी। यहाँ पे एक बंदे को किया मैंने, और यहाँ पे एक बंदा मेरे को दिखता है जिसको मैं नॉकआउट कर रहा हूँ, और एक्चुअली ये साइड था और दूसरे साइड उसका दूसरा बंदा भी था, तो मेरे को लगता है ये बंदा नॉकआउट हुआ। उसके बाद जब मैंने उसके दूसरे बंदे को मारा तो मेरे को 2 किल मिल गए, तो टोटल 14 किलो का, और मेरे को 1 किलो और चाहिए था मेरे को 15 रुपये जीतने के लिए। उतने में मेरे को एक 4-व्हीलर दिखती है जोन में से आते हुए, तो मैं पेड़ के पीछे झुक जाता हूँ। फिर थोड़ा सा जैसे वो मेरे को दिखता ना, तो मैं जैसे उसके ये उसके आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा कवर लेने के, और मैं आगे बढ़ जाता हूँ, और फिर उसको देखता हूँ मैं। वो धीरे धीरे अपनी 4-व्हीलर लेके मेरे पास आता है, शायद उसने देखा नहीं था मुझे, और ठीक जो शीट्स के पीछे मैं छुपा उसके ऊपर ही आके सीधा ठोक देता। तो जैसे ही मैंने सामने आता और मैंने गोलिंग फायरिंग करना स्टार्ट किया, एक के लिए नॉकआउट हो जाता, तो नॉकआउट हुआ, इसको किल किया मैंने। और एक बंदा मैं ढूंढ रहा था, तो मुझे एक सामने दिखता है कि वो बंदा है, देखो जूम करके देखा अभी दिख नहीं रहा, मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे बंदा है, क्योंकि एक झलक में मुझे ऐसा लगा कि बंदा है। फिर मैं आजू बाजू देखता हूँ, मुझे दिखता नहीं, 1 किलो 15 किलो चुके, तो मैंने एक बार जूम किया, लेकिन मैं जूम करने किया तो लूट नहीं शायद गया था, तो मेरे को दिख गया, मैंने एक टैप किया और दूसरे टैप में वो किल मिल जाता है मुझे। इसी के साथ मेरे को ये मैच हम जीत जाते हो और 15 रुपये भी जीत जाता हूँ। एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, ऐसे ही प्यार।